बहुत सारे कस्टमर्स और इंजीनियर्स ने मुझे ऑल ओवर इंडिया से कॉल करके और कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट करके बताया कि सर एक आप कुछ शॉप के लिए मशीन लाइए। तो बहुत बार ऑफिस के लिए बहुत सारी मशीन्स मिलती है लेकिन शॉप के लिए कोई ऐसा मशीन्स नहीं आता। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ HP लेजर जेट मैनेज्ड E8250DN डुप्लेक्स एंड नेटवर्क वाला मशीन लेके आया हूँ। ये मशीन जो है 40, 50, 60 एंड 70 PPM मतलब पेज पर मिनट प्रिंट पर मिनट में अवेलेबल है। ये मशीन इस तरह से दिखती है जो आपके सामने दिख रही है। अभी अभी इस मशीन को ओपन करने के बाद इसके अंदर सारे इसके नए स्पेयर पार्ट आते हैं। बहुत बार लोग यूज़ करते हैं रीफर्बिश या सेकेंड हैंड मशीन यूज़ करते हैं, तो ये मैं नई मशीन के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ ताकि मशीन की भी जानकारी आपको हो जाए। बहुत सारे इंजीनियर्स जब इंस्टॉल करते समय उनको भी दिक्कत ना आ जाए, इसके लिए ये इंस्टॉलेशन आज मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। ये जो है इसका ड्रम यूनिट है जो बॉक्स के अंदर आता है। मशीन को इंस्टॉल कैसे करना है थोड़ा इसके बारे में जानकारी देता हूँ। वो मशीन का जितने भी ब्लू टेप जो है ये आपको रिमूव करना मतलब निकालना है सारी जगह से। जितनी भी ब्लू टेप आपने निकाली है सारी आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये अभी इसके बाद इसका यूज़ होने वाला नहीं है। जितने भी आप देख रहे हो कि कुछ पार्ट्स पहले मशीन बॉक्स के अंदर आता है ये आपको निकाल के साइड पर रखना है। ये जो है इसका वेस्टेज बॉक्स है मतलब वेस्ट कॉर्नर बॉक्स इस मशीन के अंदर आता है। मशीन के बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर स्पेसिफिकेशन लाइव सारी चीज़ें लिखी है। ये मशीन की ट्रॉली है, ट्रॉली यहाँ पर मशीन को मूव करने के लिए मोस्टली यूज होता है, उसको पेडेस्टल भी बोलते हैं। तो उसका भी इंस्टॉलेशन थोड़ा सा दिखा है। 4 व्हील्स अलग अलग आते हैं तो ये व्हील्स आपको फिट करके मशीन उसके ऊपर आपको इस तरह से रखना है। उसके बाद ये राइट साइड का इसका डोर है, मशीन के सामने अगर आप खड़े रहते हैं तो राइट साइड का डोर है, ये अंदर का कुछ हिस्सा आपको वीडियो में दिख रहा है। ये मशीन का लेफ्ट साइड का हिस्सा है जहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर स्कैनर का लॉक है, ट्रांसपोर्टेशन में स्कैनर मूव ना हो जाए इधर उधर ना हो जाए इसके लिए स्कैनर का लॉक लगा हुआ रहता है। इसको जब भी आप मशीन ऑन करने के पहले इसको रिमूव करना है। तो आप देखोगे कि इस तरह से ये मशीन आपके सामने है जिसका मॉडल नंबर है 82560DN। ये HP का न्यू मशीन है। अभी इसमें इंस्टॉलेशन करते समय थोड़ा सा और जानकारी देता हूँ। जैसे कि अभी इस जगह पे जितनी भी सील्ड है वो आपको निकालनी है फ्रंट साइड पे जो है वो। उसके बाद ये DP यूनिट था जिसके अंदर से हम लोगों ने इसका डिटेल निकाला है। ये वाला जो है इसका टोनर कार्ट्रिज का सील्ड है, वहाँ से आप टोनर पास होता है वहाँ पर एक सील्ड रहता है वो आपको निकालना है। उसके बाद ये जैसे हम लोगों ने ये पट्टी निकाला था उसको 3 स्क्रू से वापस आपको फिट करना है। ध्यान रखिए इसका कनेक्टर लगा हुआ होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस मशीन के अंदर बहुत सारे भी फीचर्स है, फीचर्स भी आगे हम लोग बात करेंगे। नीचे इसका DP यूनिट बोल सकते हैं, डेवलपर यूनिट रहता है। अभी जो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं ये इमेजिंग यूनिट जिसका ड्रम यूनिट बोलते हैं। ड्रम यूनिट का लाइफ कितना है, प्राइस कितना है, ये डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहीं से आप ओरिजिनल ड्रम यूनिट बाय कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे भी ये ड्रम यूनिट और इसके कंज्यूमेबल्स डेवलपर यूनिट सारी अवेलेबल है, तो आप वहीं से भी ओरिजिनल खरीद सकते हैं। इंजीनियर्स के लिए थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इंस्टॉल करते समय आप इसका ध्यान रखिए कि ये ड्रम यूनिट यहाँ वहाँ नहीं लगे, जिसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आना चाहिए। ये सामने से फ्रंट साइड से आपको ये बंद करना है। ये है वेस्टेज टोनर बॉक्स, उसके अंदर टोनर जमा हो जाता है वेस्टेज वाला, वो आपको यूज़ नहीं करना है कभी भी। ये है इसका टोनर कार्ट्रिज, ओरिजिनल टोनर कार्ट्रिज इस तरह से आता है। कितनी लाइफ है इसका, कहाँ मिलेगा, इसका भी डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने डिटेल दिया है। ये टोनर कार्ट्रिज ओपन करने के बाद एक उसको जब भी आप इंस्टॉल करोगे तभी उसको शेक करो ताकि वो उसका जो टोनर है वो पाउडर फॉर्म में हो जाए। और ये जो ऑरेंज कलर या रेड कलर की जो आपको ये पट्टी दिख रही है ये सील्ड है, ये सील्ड आपको निकालना है और उसके बाद ही टोनर कार्ट्रिज को आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस तरह से आपको देख लीजिए कि आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं कार्ट्रिज। ये कार्ट्रिज इंस्टॉल करने और ये लॉक है, इसको लॉक करना है क्योंकि लॉक नहीं करोगे तो कार्ट्रिज ऐसे भी नहीं बैठेगा। तो लॉक करने के बाद इस तरह से फ्रंट कवर आपको बंद करके मशीन को ये रेडी पोजीशन में आप कर सकते हो। बाकी ये जो आपको पट्टी दिख रही है ये आपके बॉक्स के अंदर मिलती है, ये जहाँ पर पेपर एग्जिट होता है, जहाँ पर डुप्लेक्स या पेपर मतलब फ्रंट बैक प्रिंटिंग का हम लोग जिस टाइम पे कमांड देते हैं उस टाइम पे नीचे पेपर नहीं गिरे,
और रिवर्स साइड पे जब पेपर आता है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, हीवी पेपर होने के कारण रिवर्स नहीं लेती मशीन। इसके लिए पेपर का वजन बैलेंस करने के लिए ये पट्टी लगाया जाता है। तो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स आते हैं, जैसे कि ये पिन दिख रही है यहाँ पर, लॉक है उसका, व्हील है, ये सारी चीजें आपको इस तरह से इंस्टॉल करना है जहां पर पेपर एग्जिट होता है। ये पेपर एग्जिट होते समय बारिश के टाइम तो मोस्टली प्रॉब्लम होता है, पेपर क्रम्पल होके कभी कभार नीचे गिर जाता है या ऊपर ऐसा जाता है तो उससे पेपर जाम होने की समस्या होती है, उसके लिए ये लॉक यूज करते हैं। तो इसे बहुत सारे, अभी आज तो मैं इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ ये मशीन। इसके अलावा भी कोई मशीन का इंस्टॉलेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ये मशीन का इंस्टॉलेशन चाहिए। अभी इसका मशीन का स्टिकर आता है इस जगह पे कि मशीन का कौन सा पीपीएम वाला मशीन है, जैसे इसका मॉडल नंबर 8256 था तो उसके हिसाब से इसका स्टिकर हम लोगों ने लगाया। ये ट्रे का स्टिकर है जहाँ पर पेपर कौन ट्रे के अंदर कौन से साइज का पेपर रखा है उसके लिए। यहाँ से राइट साइड पे एक पावर प्लग लगा हुआ है तो यहाँ इसे आप पावर लगा सकते हो। यूज करते समय तीन पिन वाला ही आपको वायर यूज करना है, उसके अंदर चेक करना है कि अर्थिंग है या नहीं, ग्राउंडिंग है या नहीं मेन पावर प्लग में, तभी मशीन आपको इंस्टॉल करना है, अदरवाइज पावर सप्लाई की दिक्कत आ सकती है। उसके बाद ये नीचे ट्रे है, ट्रे के अंदर वापस ब्लू स्ट्रिप है, मतलब ब्लू सेलो टेप है, वो आपको निकालना है। ये सील्ड रहता है इसका, तो निकाल के इसके अंदर आप एक जो आपका रेगुलर पेपर है उसका एडजस्ट करके पेपर आपको रखना है। ये पेपर रखने के बाद इस जगह पे आप 550 शीट्स इस ट्रे के अंदर रख सकते हैं। दो 550 550 शीट्स के ट्रे आती है इस मशीन में। इसके अलावा एक बाईपास ट्रे आता है जिसके अंदर आप 100 शीट्स का पेपर रख सकते हो। तीनों भी ट्रे इस मशीन में यूनिवर्सल है, मतलब कोई भी साइज के पेपर आप एडजस्ट करके डाल सकते हो। उसके बाद ये मशीन को अभी हम देखेंगे कि ये ऑन करने के बाद बहुत सारी इसकी पेपर की ट्रे की सेटिंग्स आती है। उसके बाद आपको कंट्री सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि कंट्री सिलेक्ट करने के बाद उस कंट्री के पेपर एनवायरनमेंट टेम्परेचर वो सारा इस मशीन में सेट हो जाता है। तो ये सेट करने के लिए आप देख रहे हो कि सारी प्रोसीजर हम लोगों ने दी है, उस प्रोसीजर के हिसाब से आपको डिटेल्स इसके अंदर सिलेक्ट करनी है। आप देखोगे कि बहुत बार मशीन इंस्टॉल करते समय हमारे कंट्री प्रॉपरली अगर सेट नहीं हो जाती है तो अभी भी हम उनको पेपर के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मतलब पेपर सेटिंग्स प्रॉपरली नहीं होते हैं। तो जब भी हम मशीन ऑन करते समय कंट्री आएगी तो उसमें इंडिया ही सिलेक्ट करना है, जब भी हम लोग इंडिया में ये मशीन इंस्टॉल करते हैं तभी। तो इसके अलावा टाइम जोन आपको सिलेक्ट करना है, टाइम से बहुत सारी चीज़ें इस मशीन के अंदर सेट हो जाती है, जैसे स्कैन कभी हुआ, डॉक्यूमेंट पेपर जाम कभी हुआ, मशीन का फर्स्ट इंस्टॉल डेट का, ये सारी चीज़ें मशीन में स्टोर हो जाती है, उसके लिए आपको ये सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अभी आप देखोगे कि फीचर्स इसके बहुत सारे हैं इस मशीन के अंदर। ये मशीन के अंदर बहुत सारे AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है, तो ये इसके अंदर बहुत सारे रिपोर्ट्स मशीन के अंदर ही स्टोर हो जाते हैं। तो वहीं से आप रिपोर्ट निकाल सकते हो, कितनी प्रिंट्स हुई है, कितनी कॉपीज हुई है, कितनी बार पेपर जाम हुआ है, ये सारे डिटेल्स मशीन के अंदर स्टोर हो जाते हैं, तो उससे आप निकाल सकते हो। आप अभी देखोगे कि इतना बड़ा है ये मशीन और रिफर्बिश लेने की जरूरत नहीं है, नया मशीन मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाया है। और भी कुछ मशीन्स की आपको जानकारी चाहिए, आपको वीडियो चाहिए, तो हमको कमेंट में मुझे लिखना है कि ये मशीन का वीडियो चाहिए, इस मशीन के स्पेयर पार्ट चाहिए, इस मशीन के लिए इंजीनियर चाहिए, आपके लोकेशन में चाहिए। हर एक लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में सर्विस स्पेयर पार्ट्स सारे इस मशीन के अवेलेबल है। कभी भी मशीन इंडिया में आती है तो 5 साल के लिए इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। रिक्वेस्ट है कभी भी ये मशीन में आप रिफिल टोनर या पाउडर मत डालिए ताकि उससे मशीन खराब हो जाए। इस मशीन का लाइफ बहुत ही ज़्यादा है, मशीन का लाइफ अप्रोक्सीमेटली 20 लाख प्रिंट और 7 ईयर्स तक है, तो तब तक आप ये मशीन को यूज कर सकते हैं। ये मशीन यूज करते समय आपको कंज्यूमेबल्स भी लगेंगे, तो कंज्यूमेबल कहाँ से मिलेंगे, तो हमारे वेबसाइट से मिल सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दी है वहाँ से आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा जब भी आपको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉलेशन के लिए कुछ मतलब इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ दिक्कत आती है आपको, तो उसी समय हमको हमको आप संपर्क कर सकते हैं, हमारा डायरेक्ट नंबर भी है वहाँ पर। वहाँ पर वीडियो कॉलिंग पर एक इंजीनियर अवेलेबल होगा जिसके थ्रू आप आपके मशीन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ से स्पेयर पार्ट आप लेते हो
आप ऑलरेडी कस्टमर हैं तो आपको ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो ऐसी जानकारी के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब करें, या अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने इंजीनियर भाइयों को ये शेयर करें, और नई नई वीडियो के लिए बेल आइकॉन बटन प्रेस किया और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।